हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके नाभि के निचले हिस्से में यानी कि पेड़ों के अंदर दर्द बना रहता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपसे पेड़ों के दर्द के सारे कारण और उनका इलाज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर पेड़ों का दर्द क्या होता है। नाभि के निचले हिस्से में यदि आपको लगातार दर्द बना रहता है तो उसे पेड़ों का दर्द कहते हैं या पेल्विक पेन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात कि यदि आपको लगातार पेड़ों में दर्द होता रहता है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको रुक रुक के दर्द आता है, जैसे कि मरोड़े मार के दर्द आना कहते हैं, तो वो एक अलग कारण हो सकता है। और तीसरा, यदि आपके महीने बंद हो गए या प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद आपको दर्द हो रहा है तो उसके बिल्कुल ही अलग कारण है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका महीना सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपके महीने नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं और उसके बाद भी यदि तकलीफ हो रही है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पेशाब की थैली में यानी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, जिसको कि यूटीआई कहा जाता है। दूसरा हो सकता है कि ब्लैडर के अंदर किसी प्रकार की कोई पथरी बन गई हो या कोई मांस बन गया हो। दूसरा जो अगला कारण आता है कि वो यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, या कोई गांठ हो सकती है, या सूजन या इन्फेक्शन हो सकता है। और एक जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो आजकल पेड़ों में दर्द का कारण महीने के अलावा या महीने के दौरान या पूरे महीने पर दर्द बना रहता है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक प्रकार की बीमारी है जो महीने के आने से रिलेटेड होती है, जिसमें महीने का जो ब्लड है वो यूट्रस के आसपास के एरिया में जमा हो जाता है और आते और यूट्रस आपस में चिपक जाता है, जिसकी वजह से पूरे महीने भर उसमें दर्द होता रहता है और ये 10 में से एक महिला के अंदर पाया जाता है। इसके नेक्स्ट जो अगला कारण है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि जो लेट्रिन की थैली है उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया या आपका लेट्रिन ठीक से नहीं उतर रहा है तो उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। उसका अगला कारण हो सकता है जो आपकी बैक है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है जिसके पीछे का हिस्सा हड्डियां हैं, वहां पे अगर आपको कोई दर्द या सूजन या जॉइंट पेन हो तो उसकी वजह से भी ये दर्द होता है। तो इस प्रकार से यदि आप आगे से पीछे चलते हैं तो आगे ही आगे पेशाब की थैली का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर यूट्रस का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन या आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बैक की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब यदि आपके महीना नहीं आया और सपोज आपको प्रेगनेंसी हो गई है और उसके बाद भी आपको पेन हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, यानी कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ना लग के बाहर लग गया हो, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। दूसरा है बच्चेदानी के अंदर किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो गई हो या हो सकता है कि अबॉर्शन की शुरुआत हो, ये सारे कारण प्रेगनेंसी से रिलेटेड पेन के हो सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इन सब कारणों में से मेरा कुछ नहीं है और मेरे को मरोड़े मार मार के दर्द आ रहा है, रुक रुक के दर्द आ रहा है, तो वो आंतों में ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है, आंतों में रुकावट की समस्या हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा तकलीफ आता है, जिसको कि गैस का दर्द भी बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले सकते हैं। तो ये सारी समस्याओं का एक साथ आपको पता किससे चलेगा, सोनोग्राफी से। जब आप पेट की सोनोग्राफी करा लेंगे तो एक क्लियर पता लग जाएगा कि एक यूट्रस का प्रॉब्लम है, कि इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, कि ब्लैडर का प्रॉब्लम है या रेक्टम का प्रॉब्लम है। जैसे ही सोनोग्राफी होगी तो सिचुएशन क्लियर होगी, डायग्नोसिस बनेगा और उसके हिसाब से आगे का इलाज ले पाएंगे। और जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हैं तो कब्जी हो रही है तो आप घर पे अजवाइन वगैरह ले सकती हैं, या फिर आप पानी ज़्यादा पीजिए, दही ज़्यादा खाइए, और यदि पथरी की समस्या लग रही है तो वो भी पानी पीने से निकल जाएगी। और यदि कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो कोई दर्द की दवाई आप घर पे खा सकती हैं, लेकिन पूरी जांच के बिना दवाई खाना घर पे आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में हमसे भी संपर्क कर सकती हैं। और यदि और कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप हमसे सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट आपसे जरूर बात करेंगे। थैंक यू।